हेलो डियर स्टूडेंट्स आई एम बीएल चौधरी टीम बोर्ड सी एल सीकर वेलकम्स एट डिजिटल इंटरेक्टिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सीएलसी सीकर टुडे वी डिस्कस अबाउट माइनर नाइन पेपर सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट सीरीज इन दिस पेपर वी डिस्कस अबाउट प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड इट मीन वी डिस्कस अबाउट मिनरल न्यूट्रिशन इन हायर प्लांट एंड रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट उच्च पात्रों में खनिज पोषण और उच्च पात्रों में शोषण तो ये एन सी इलेवंथ के टॉपिक ट्वेल्व और फोर्टीन है और इन टॉपिक्स के जो क्वेश्चन हम सोल्व सोल्व करेंगे तो साथ में कॉन्सेप्ट और एनसीआर के जो डायग्राम्स है या एनसीआर टी को आपके साथ प्रोवाइड कराएंगे और बेटा आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि पेपर के साथ आप इन दोनों चैप्टर्स को एन से रिवाइज कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स मेरे प्यारे बच्चों मेरे राजा बेटा रानी बेटी आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर वन ज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम इज एक्टिवेटेड बाय नाइट्रोजिनेज तथा का सक्रिय कारक है। तो ध्यान दीजिए कि जो नाइट्रोजिनेज है यानी जो -fixation के mechanism है उसमें क्रिटिकल जो एंजाइम है वो प्रयुक्त होता है वो है नाइट्रोजिनेज और नाइट्रोजिनेज के पास दो यूनिट होती है सब यूनिट फर्स्ट एंड सब यूनिट सेकंड तो नाइट्रोजनेज के पास बेटा आप समझ सकते हैं कि सब यूनिट फर्स्ट एंड सब यूनिट सेकेंड तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब यूनिट फर्स्ट एमओ एफ यहां सबस्ट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन एड होता है क्लियर एंड सब यूनिट सेकेंड इज एफ क्लियर तो यहां देखिएगा कि एमओ एफ तो मोडिबलेनम और फेर, फेरस जो आइन है आप समझ सकते हो जो नाइट्रेट रिडक्टेज है उसके लिए आपका होता है एमओ सीयू एमओ सी यू तो यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें मैग्नेशियम नहीं होगा मैगनीज नहीं होगा एमओ हंड्रेड परसेंट आंसर थर्ड हो जाएगा जिंक नहीं होगा तो आंसर विल बी थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन थर्टी सेवन द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिगार्डिंग रूट नोड्यूल फॉर्मेशन बाय राइजोबियम इन लेग्यूम प्लांट

तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो रूट हेयर रिलीज करते हैं सम एजेंट लाइक फ्लेवोनोइड्स है है तो बैक्टीरिया अट्रैक्ट होता है और बैक्टीरिया जैसे रूट हेयर के पास आता है क्लेक्ट होता है तो मल्टीप्लाई करता है उसके चारों तरफ इकट्ठा होता है देन वो रूट हेयर से अटैच होता है और फिर इन, आप जानते हैं कि उसकी कर्लिंग को इनिशिएट करता है कर्लिंग के बाद उसको इनवेड करता है और फिर इनफेक्शन थ्रेड के थ्रू वो तक पहुंचता है तो यहाँ अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप देख सकते हैं रूट नोड्यूल क्लियर तो ये बिल्कुल करेक्ट है यहां फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मल्टीप्लाई होगा फिर आप जानते अटैच होगा तो कर्लिंग को इनिशिएट करता है कर्लिंग को प्रेरित करता है मूलरोम के कुंचन को प्रेरित करता है तो ये आप समझ सकते हैं कि उसके पश्चात इन्फेक्शन थ्रेड और रूट नोड्यूल तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सेकंड थर्ड इसलिए नहीं हो सकता इन्फेक्शन थ्रेड पहले दे दिया फिर रूट हेयर कर्ल दिया है, तो ये गलत हो गए अटैचमेंट और एपिडर्मिस रूट हेयर कर्ल नोड्यूल तो ये हाँ पे रॉन्ग हो गए क्लियर तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया सेकंड नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर वन हाउ मेनी ऑक्सीजन मोलिक्यूल आर कंज्यूम्ड बाई ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने ऑक्सीजन अणु का उपयोग किया जाता है आपको अच्छे से पता है कि ग्लाइकोलाइसिस जो फर्स्ट स्टेप है फंडामेंटल रेस्पिरेशन है आप जानते हैं कि एरोबिक हो, हो, ये कॉमन प्रोसेस है अर्थ की ईच और एवरी लिविंग सेल में ये पॉसिबल और पाई जाती है क्लियर लेकिन आप समझ सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में ना तो ओटू लगती है ना सीओ निकलती है मतलब नॉट यूज ऑफ ओटू एंड नॉट रिलीज ऑफ सीओ ये इन दोनों से ही फ्री होता है ना ओ का यूज होता है ना सीओ टू का रिलीज होता है इसलिए यहां पर अपन क्या करेंगे सिक्स नहीं होगा ट्वेल्व नहीं होगा ये भी नहीं होगा और जीरो तो आंसर विल बी फोर क्लियर क्योंकि यहाँ तो ग्लूकोज का पार्सली ऑक्सीडेशन होता है सिक्स स्टेप में जब पीजीएल फोर्स थ्री फोर्स वन थ्री बाई पीजीए में कन्वर्ट होता है तो उस समय वहां से रेडॉक्स इक्वलेंट यानी अपन बताएंगे सिक्स स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है तो वहां एन से एनएडीपी एडीपी टू फॉर्मेशन होता है बट आप समझ सकते हैं कि इसमें O2 लगती भी नहीं और CO2 रिलीज भी नहीं नहीं और रिलीज होती है। क्लियर? तो आंसर विल बी नेक्स्ट अपन आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस जो पायरवेट फॉर्म होता है तो पायरवेट एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेंट्रल केमिकल मोलिक्यूल है यानी एक महत्वपूर्ण केंद्र रसायन है जिसका फ्यूचर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है या नहीं है और ये निर्धारित करता है कि रेस्पिरेशन के जो डिफरेंट पाथवे डिपेंड करेगा कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फर्मेंटेशन या तो एल्कोलिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक फर्मेंटेशन दोनों हो सकता है और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, में लिंक रिएक्शन आपका होगा तो पायरवेट कन्वर्ट इंटू एसिटाइल को एंजेन

होता है, में, होता है, और में, होता है. तो वहां आप समझ सकते हैं कि माइटोकोड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है और जो क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट की थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर है और बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एटीपी सिंथेज जो एफ जीरो वन है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें ये हेड पीस होता है ये स्टॉक होता है और ये बेस होता है तो ये जो बेस है ये एफ जीरो है और ये एफ है ये कैटालिटिक नेचर का होता है तो यहां आप देख सकते हैं कि जो बेस है एफ जीरो है एफ जीरो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि इंटीगर प्रोटीन है समाकलित प्रोटीन है मेम्ब्रेन के अंदर और ये स्टाक है और ये हेड पीस है तो यहाँ आपका है एफ है

पहले प्रोटॉन ग्रेडिएंट को फॉर्म होने में प्रयुक्त नहीं होता है यूटिलाइज प्रोटॉन एनर्जी ये भी नहीं होगा तो आंसर विल बी सेकंड आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी 140 का सेकंड आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 व्हिच अमंग द गिवन एंजाइम आर रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ पाइरिविक एसिड टू एथेनॉल एंड CO2 नीचे दिए गए एंजाइम में से कितने एंजाइम पाइरिविक अम्ल के इथेनॉल और CO2 में परिवर्तन के लिए

और आप समझते एल्कोल डिहाइड्रोजनेज और लैक्टिक डिहाइड्रोजन तो ये भी नहीं होगा ये हो जाएगा ये नहीं होगा क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन एन फिक्सेशन नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रीफिकेशन रेस्पेक्टिवली जीवाणु का समूह क्रमशः एन फिक्सेशन नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण में प्रयुक्त होता है तो देखिए स्टूडेंट्स नाइट्रोसोमोनास नहीं राइजोबियम नाइट्रोबैक्टर नहीं फ्रैंकिया नाइट्रोसोमोनास सुडोमोनास तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रैंकिया जो नॉन लेग्यूम में नॉन लेग्यूम प्लांट एल्नस और कैजू रैना के अंदर रूट नोड्यूल फॉर्म करता है और सिम्बायोटिक

हाइड्रोजनिज तो करेक्ट है और यहां एमओ पैपकेज ये रॉन्ग है क्योंकि एमओ या तो नाइट्रोजिनेज या नाइट्रेट रिडक्टेज क्लियर तो ये ये रॉन्ग है F, catalyze, है बिल्कुल करेक्ट जो आप जानते हैं के अंदर परटेलाइज एंजाइम होता है जो एस टू टू के ब्रेकडाउन में प्रयुक्त होता है तो वहां कैटेलाइज उसको एक्टिवेट करता है ये बिल्कुल करेक्ट है तो यहां आंसर क्या हो गया थर्ड आपसे इनकरेक्ट पेयर पूछा है तो 143 जिसका आपका आंसर क्या है थर्ड है नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 144 फोर्टी फोर द प्रोसेस विच डिक्रीज द नाइट्रो नाइट्रोजन कंटेंट इन सोयल प्रक्रिया जो मृदा में नाइट्रोजन अंश को कम करती है तो देखिए बेटा कि एंटू फिक्सेशन में या सोयल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में तीन प्रोसेस हेल्पफुल होती है यानी तीन प्रक्रम सहायक होते हैं जो मृदा की उपजाऊपन को बढ़ाते हैं एंटू फिक्सेशन अमोनिफिकेशन क्लियर तो टू फिक्सेशन है अमोनिफिकेशन है ये तो अमोनिया फॉर्म करने में यूज है फिर अमोनिया से नाइट्रेट क्लियर तो नाइट्रिफिकेशन बट एक सिंगल प्रोसेस है डी नाइट्रीफिकेशन जो हार्मफुल प्रोसेस है और डी नाइट्रीफिकेशन से जो अमोनिया कंटेंट डिक्रीज होता है क्योंकि अमोनिया रिकन्वर्ट होती है किसमें एटमोस्प्रिक एन टू के अंदर उसको आप कहते हैं डी नाइट्रीफिकेशन तो यहां देख लीजिए नाइट्रिफिकेशन ये तो हेल्पफुल हो जाएगा अमोनिफिकेशन ये भी हेल्पफुल हो जाएगा डी नाइट्रीफिकेशन यह डिक्रीज करेगा और नाइट्रेट डिडक्शन ऐसा नहीं है तो आप जानते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा इसका सेकंड आपका आंसर हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट तो देखिएगा 144 का आंसर क्या हो गया सेकंड तो देखिएगा कि क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 145 145 और फर्स्ट स्टेट इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज यानी ये ग्लाइकोलाइसिस के बारे में आपको स्टेप्स दे रखे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस शोषण का प्रथम चरण है फर्स्ट स्टेप है जहां ग्लूकोज का पार्सल ऑक्सीडेशन होता है आप समझ सकते हैं और इसमें ना टू यूज होती है ना यू टू रिलीज होती है और इस प्रोसेस ये प्रोसेस आप जानते हो अर्थ की ईच और एवरी लिविंग सेल प्रोकेट और यूकेट दोनों के अंदर पाई जाती है तो अपन देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट अपने आते हैं तो फर्स्ट स्टेट इन द द्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज करेक्ट है कॉमन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी जीओ में समान है ये भी करेक्ट है ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एनारेबिक रेस्पिरेशन हा एनबिक रेस्पिरेशन में केवल एक स्टेप्स होता है वो ग्लाइकोलाइसिस

वो किसी भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसकी न्यूट्रेंट पोजीशन क्या है उसकी पोषण स्थिति क्या है किस टाइप के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को सौसनी क्रियाधार को वो अपने रेस्पिरेशन में यूज कर रहा है उसकी सेल्स में कौन से टाइप का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज हो रहा है इन सब को आपको मेजर करता है मापन करता है बताता है वह आरक्यू है और उसमें आप समझ सकते हो कि सौसन के दौरान जो विमुक्त हुई सीओ टू है रिलीज सीओ टू रिलीज सीओ टू ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और कंज्यूम्ड ओटू का जो रेशियो है यानी विमुक्त की गई सीओटू और ओटू का जो अनुपात है दैट इज आरक्यू और आप समझ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आरक्यू फर्स्ट होता है एक होता है आप अच्छे जानते हैं कि यहां पर 0.9 प्रोटीन के लिए 0.7 फैट के लिए होता है और वन कार्बोहाइड्रेट के लिए और आप समझ सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक एसिड है मोर देन वन हो सकता है लेकिन जो ऊपर इक्वेशन आपको दे रखी है रखिए वन एच नाइन और ये तो ये जो प्रोसेस दे रखी है इसमें देखिएगा कि वन हंड्रेड टू सी ओ टू और वन फोर फाइव ओ टू तो अबाउट जीरो पॉइंट सेवन जो फैट का होता है कि पामिटिक एसिड के लिए आपको बता रखा है तो इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपका आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी सेवन ुल ऑफ एसिटाइल कॉन्जाइम एंटर दीसी साइकिल आप समझ सकते हैं कि ग्लूकोज का जब हम ग्लाइकोलासिस कराते हैं तो सिक्स स्टेप के बाद में नहीं सिक्स स्टेप से आपका रिएक्शन दो से मल्टीप्लाई होता है कि जिस थ्री पीजीएल पीजीएल के दो मोलिक्यूल आपके फॉर्म होते हैं फिर पीजीएल वन पीजीएल कन्वर्ट होता है वन पायर्विक एसिड में अब वन पीजीएल वन पायुर्विक में देन डी एच एपी पीजीएल फिर सेकेंड पायर्विक एसिड तो ग्लूकोज के रेफरेंस में टू फॉर्म होते हैं फिर वन एसिड से आप जानते हैं एक एस्ट्रम से एक क्रेप साइकिल चलता है लेकिन ग्लूकोज के रेफरेंस में दो बार आप चलाओगे उसको अब एक क्रेप साइकिल है तो उसमें चार जगह ऑक्सीडेशन होता है फोर स्टेप्स ऑक्सीडेशन स्टेप्स होती हैं थ्री एनएडीएच और वन एफ बट टू टाइम चलेगा ग्लूकोज के रेफरेंस में तो सिक्स एनएडीएच और टू एफ तो यहां देखिएगा कि भी 2 NADH, ये पॉसिबल ही नहीं 3 NADH, ये भी नहीं है ये सिंगल स्टेप के लिए हो सकता था अब टू स्टेप्स के लिए सिक्स एनएडीएच टू एफ एडीएच और टू जी टीपी आंसर विल बी थर्ड तो आंसर आपका क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा क्योंकि एक सिंगल क्रैप साइकिल में थ्री एनएडीएच तो थ्री इंटू थ्री

इलेक्ट्रॉन कैरियर के दौरान ही जो कॉम्प्लेक्स फोर होता है तो यहां आप से आपसे साइटोक्रोम पूछा है क्लियर तो आप जानते हैं कि जो FMN है फिर यूबी क्यूनो साइटोक्रोम बी सी वन कॉम्प्लेक्स आपका होता है और फिर आप जानते हैं कि साइटोक्रोम ए और A3, तो साइटोक्रोम ए टू कॉपर सेंटर्स होते हैं तो यहां पर जो साइटोक्रोम होता, होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है साइटोक्रोम ए थ्री

फ्री मेथड है और जहां डिफाइंड मिनरल सोल्यूशन यानी डिफाइंड और जो इसेंशियल मिनरल उनका एक प्रॉपर जो प्रोपोर्शन होता है उचित अनुपात में उनके प्योरिफाइड वाटर में उनको मिक्स करके प्योर मिनरल और प्योरिफाइड वाटर मिक्स करके ये डिफाइंड मिनरल सोल्यूशन फॉर्म किया जाता है और उसमें डायरेक्टली प्लांट को ग्रो कराया जाता है तो जो बहुत बड़े प्लांट होते हैं उनको तो एस्ट्रिब्स होने के लिए सॉयल चाहिए तो वो तो नहीं ग्रो कर पाएंगे लेकिन बाकी प्लांट को ग्रोथ और उनके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ओनली ओनलीसियल मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो जैसे कि अपन कहें बेटा कि वहां टोमेटो दे रेखा आपको सीडलेस भी है और लेटस है यानी टमाटर बीज विहीन खीरा और सलाद तो ऑल ऑफ आप दीज आपका आंसर हो जाएगा ये आपका फोर आंसर आपको हो जाएगा नेक्स्ट आप देखिएगा एनी मिनरल आयन कंसनट्रेशन इन टिश्यू दैट डिक्रीज द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू अबाउट टेन परसेंटर टॉक्सिकनिजान किसी खनिज की उत्तकों में जो उत्तक के शुष्क भार में दस प्रतिशत तक कमी कर दे तो उसको आप क्या कहेंगे टॉक्सिक कहेंगे आप से कहते हैं कि ये जो है, वरत पोषक है कौन कार्बन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है फोस्फोरस है पोटेशियम है कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर और बाकी की रिमेनिंग एट वो माइक्रोन्यूट्रेंट है माइक्रोन्यूट्रेंट की एक लो अमाउंट थी रिक्वायर्ड होती है प्लांट को मॉडरेट इंक्रीज टॉक्सिसिटी को शो करता है मॉडरेट डिक्रीज डिफिशम को शो करता है क्लियर तो एक नैरो रेंज ही उनकी रिक्वायर होती है, होती है, उनकी होती है उनकी तो आप समझ सकते हैं कि अगर मान लो कि किसी माइक्रोन्यूट्रेंट में मॉडरेट इंक्रीज हो गया और वो उस प्लांट के ड्राई वेट में उसके प्रोडक्टिविटी को कम करके उसके ड्राई वेट में टेन परसेंट तक लॉस कर दे तो इट कैन बी टॉक्सिक इट कैन सेट टॉक्सिक जाएगा टॉक्सिक तो आंसर विल बी सेकेंड नेंबर वन फिफ्टी वन डिफिशियंस एनी एलिमेंट टेन टू अपियर फर्स्ट इन किसी तत्व की कमी के लक्षण तरणोपतियों में सबसे पहले प्रकट होते हैं ये इस बात का गोतक अपेक्षा अगर गति ही न कौन सी तत्व ऐसी लक्षण दिखाएंगे भाई आप जानते हैं कि मोबाइल और इमोबाइल होते हैं जो मोबाइल एलिमेंट होते हैं मोबाइल एलिमेंट की डिफिशियंसी होती है तो जो जीर्ण पत्तियां होती है नहीं ओल्ड लीव्स होती है वहां से विथड्रॉन हो जाते हैं और मैर्समेटिक रीजन की ओर मूव करते हैं विथड्रॉ होकर पुनः निकलकर उधर चले जाते हैं पुनर्वितरण उनका संभव है विथड्रॉन उनका, उनका संभव है बट आप जानते हैं कि जो कैल्शियम सल्फर है जनरली वो इमोबाइल है और उनका पुनर्वितरण या वित्रॉन संभव नहीं है क्लियर तो यहां पर देखिएगा कि सल्फर दे रखा है मैग्नेशियम ये नहीं होगा पोटेशियम भी नहीं होगा और नाइट्रोजन ये तो एन पी और मैग्नेशियम है तो ये तो नहीं होंगे बट सल्फर यहां पर आंसर हो जाएगा तो आंसर विल बी फर्स्ट तो 151 का जो आपका आंसर है बेटा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 152 फिफ्टी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिमटम इज नॉट ड्यू टू मैग्नीज टॉक्सिसिटी इन प्लांट निम्न में से कौन सा लक्षण मैग्नीज की सलता कारण नहीं होता है क्वेश्चन में आपको नोट दे रखा है तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है

नहीं है फिर देखिएगा अपेन्स ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरविन ये करेक्ट है क्लियर ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है और नन ऑफ द अबव नहीं आपका आंसर विल बी सेकंड तो आंसर आपका क्या हो जाएगा अभी सेकंड हो जाएगा तो 152 क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो सेकंड है नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 153 रिएक्शन कैरिड आउट बाय एंड फिक्सिंग माइक्रोब इंक्लूड योगीकरण करने वाले सूक्ष्मणु जरा जो अभिक्रिया होती उसमें है उसमें शामिल है टू एन एस थ्री थ्री ओ टू टू एन ओ टू माइनस टू एच प्लस टू एच टू दैट इज दिफिकेशन स्टेप फर्स्ट इन दिसनली नाइट्रेट क्लियर तो यहां देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दीज इक्वेशन इज नॉट ट्रू इन समीकरणों के बारे में कौन सा खतन सही नहीं है तो देखिएगा फर्स्ट आपका क्या स्टेप इज कैरिड आउट बाई नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस करेक्ट है

क्लियर और वहां कोई ना कोई कंपाउंड एस डोनर के रूप में प्रयुक्त होता है जो भी हाइड्रोजन डोनर के रूप में तो यहां देखिएगा कि क्वेश्चन 153 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा क्लियर क्योंकि यहां आएंगे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है टी का स्टेप्स है तो कीमो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया होते हैं जो किसी केमिकल का ऑक्सीडेशन करके उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको शुगर सिंथेसिस में यूटिलाइज करते हैं है ना तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन का आंसर आपका फोर हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा का अंतिम कौन है? होती है, तो फोर कॉम्प्लेक्स आपके होते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है एन ए डी एच कॉम्प्लेक्स सेकेंड है डी हाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स थर्ड है साइटोक्रोम बी सी वन कॉम्प्लेक्स फोर है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज साइटोक्रोम ए ए थ्री और फाइनली जब आप जानते हैं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हो जाती है फिर प्रोटॉन कपलिंग रिएक्शन होती है एटीपीएस, यानी फिफ्थ कॉम्प्लेक्स और एफ जीरो नेचर और वहां से जैसे एनर्जी फास्ट होती है तो उसके कॉन्फिग्रेशन में चेंज होता है एडीपी इनऑर्गे मोनोफोस्ट ए टीपी फॉरमेशन होता है और फाइनली जैसे हाइड्रोजन उधर जाते हैं तो ऑक्सीजन आप जानते हैं कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करती है और

जब प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकिंग होता है भंजन होता है तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा वन फिफ्टी सिक्स हाउ मेनी ए टीपी आर रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ वन एंड टू 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 एन एस थ्री ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल एन फिक्सेशन जैविक नाइट्रोजन स्थिर के दौरान एन टू से टू एन एस थ्री के निर्माण में कितने ए टीपी आवश्यक होते हैं अभी अपने बात भी एन टू फिक्सन के जो मैकेजम होते हैं, उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एनजे नाइट्रोजनेज उसके दो यूनिट होती है एमो एफियन एफीएस फिर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनर फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग नेचर रिड्यूसिंग नेचर का जो कंपाउन इलेक्ट्रॉन सिक्सटीन एटीपी तो सिक्सटीन एटीपी रिक्वायर्ड होती है एंड देन फॉर्मेशन होता है टू एन एस थ्री प्लस एस टू सिक्सटीन एडीपी क्लियर तो आप देख सकते हैं कि भी टू एन एस थ्री प्लस एस टू और यहां सिक्सटीन एटीपी दो यहां सिक्सटीन आपका आंसर होगा फोर आंसर आपका हो जाएगा नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन फाइव सेवन मोस्ट सीओ टू फ्रॉम कैटाबोलिज्म ऑफ ग्लूकोज इज रिलीज ड्यूरिंग ग्लूकोज

एंटर्ड इन क्रैप साइकिल एक क्रैप साइकिल कंप्लीट करवाता है तो वहां दो सीओ टू अब ग्लूकोज के रेफरेंस में दो बार चलेगा तो फोर सी टू आपकी रिलीज होगी क्लियर तो सबसे ज्यादा जो सीओ टू रिलीज होती है हो, क्रेप साइकिल में होती है ये आप जानते हो मेटाबोलिक सिंक है ये आप जानते हैं कि स्ट्रिक्टली एरोबिक है और एरोबिक का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्रेप साइकिल जहां मैक्सिमम सी टू भी रिलीज होती है एनर्जी भी फॉर्म होती है यानी थ्री एन रेफरेंस ऑफ ग्लूकोज टू टाइम तो आप समझ सकते हैं कि सिक्स एन एडीएच टू एफ एडीएच और टू डायरेक्ट एटीपी आपकी हो जाएगी सेवन क्वेश्चन तो का जो आपको आंसर है वो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी एट हाउ मेनी रेडक्स इक्विल्वायर टू फॉर्म टू एन टू ड्यूरिंग ग्लायकोलाइसिस ग्लायकोलाइसिस के दौरान टू एन के बनने में कितने रेडक्स इक्विलेंट की आवश्यकता

यानी वन पीजीएल कन्वर्ट वन पायरविक एसिड इन रेफरेंस ऑफ ग्लूकोज टू पीजीएल तो टू पीजीएल कन्वर्ट इन टू पायरविक एसिड तो टू एनडीएस टू तो फिर फोर हो जाएंगे फोर रेडॉक्स इक्विवेलेंट यहां पर आपका आंसर हो जाएगा क्लियर तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लियर नेक्स्ट आप देखिएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिएगा कि 159 व्हिच आर द रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आप अच्छे से जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में 10 लीनियर एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है दस रेखी श्रृंखला श्रृंखला जो बिक्रिया पाई जाती है उसमें से तीन स्टेप्स में जो स्टेप्स होते हैं तीन स्टेप्स वन, वो आपकी इसिबल हैक्जोकाइनेज थ्री, थ्री, थ्री पे आपका फोस्पो जो आप जानते हैं कि फोस्पो फ्रक्टोकाइनेज और टेन पे पायरविक एसिड काइनेज तो आप यहां समझ सकते हैं कि हेक्जो हो जाएगा फोसो हो जाएगा और पायरवेट काइनेज हो जाएगा यानी ए बी और डी तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा फोर तो वन फिफ्टी नाइन का आपका बेटा आंसर हो जाएगा फोर क्लियर और आप समझ सकते हैं कि ये तीन स्टेप्स होती हैं, एक तीन दस जो रेगुलेटरी हैं और ये इरिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है अनुत्क्रमणीय है क्लियर तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट आप देखिएगा वन सिक्सटी क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइड अंडरगो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नाइट्रोजन निम्नलिखित में से कौन से एमाइड नाइट्रोजन के परिवहन में सम्मिलित होते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि जनरली प्लांट के अंदर अगर एम्यूनो एसिड का जो लेवल है वो सफिशियंट नहीं है यानी एम्यूनो एसिड का लेवल पर्याप्त नहीं है सफिशियंट नहीं है तो तुरंत जो अमोनियम आयन है डायरेक्टली रिएक्ट विथ एल्पाकिटो ग्लुटेरिक एसिड एंड फॉर्म ग्लूटा मिक एमिनो एसिड इट मीन रिडक्टिव एमिनेशन लेकिन पहले से अगर एम्यूनोसिड का स्तर पर्याप्त है तो फिर आप जानते हो एमाइड फॉर्मेशन होता है एमिडेशन होता है और एमाइड में आप जानते हो पहले से जो एम्यूनोसिड होता है उसमें अतिरिक्त जो आपका एक्स्ट्रा एमिनो ग्रुप एड होकर एमाइड फॉर्म हो जाते हैं फिर जहां जहां प्लांट में रिक्वायर्ड होता है तो उनका जायलम के थ्रू एमाइड का ट्रांसलोकेशन होता है

नाइट्राइट अमोनियम आयन और आप समझ सकते हैं किस फॉर्म में करते हैं प्लांट है और जैसे ही नाइट्रेट फॉर्म में रूट हेयर के थ्रू जैसे अपटेक करता है लीव्स में पहुंच जाता है नाइट्रेट और वहां इसका रिडक्शन होता है नाइट्राइट और अमोनियम आयन में और फिर अमोनियम आयन का होता है अमोनियम आयन से होता है यानी एम्योसिड एमिनेशन आपका प्रोसेस होगा तो देखिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रेट नाइट्राइट में और फिर नाइट्राइट अमोनियम आयन में फिर अमोनियम आयन से आपके जो आप समझ सकते हैं कि ग्लूटामेट डी या सिंथेज एंजाइम से ग्लूटामाइन ग्लूटामिक एमिनो एसिड आपका फॉर्म होगा तो यहां पर देखिएगा नाइट्रेट रिडक्टेज नाइट्रेट ऑक्सीडेज ये रॉन्ग हो जाएगा

मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन द सेल इज लिबरेटेड बाई ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट वैन कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से कोशिका में अधिकांश ऊर्जा का मुक्त होगी तो आप समझ सकते हैं कि ड्यूरिंग क्रेप साइकिल क्रेप साइकिल में होगी और क्रेप साइकिल में आप जानते हो जब एसिटाइल को एंजाइम कन्वर्ट इन टू सी ओ टू और एस टू क्लियर तो यहां देखिएगा पायरिविक एसिड कन्वर्टेड इन टू सी ओ टू एंड एस टू पायरिविक एसिड इज कन्वर्टेड इन टू एसिटाइल को एंजाइम एल्कोल एंड सीओटू सबसे बेस्ट आंसर आपका होगा पायरिविक एसिड इज कन्वर्टेड इंटू सीन तो आप समझ सकते हैं कि लिंक देन इन तो आंसर आपका यहां तो आप तो पर क्या हो जाएगा फर्स्ट आपका हो जाएगा नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी फोर नेक्रोसिस इज द टर्म यूज फॉर उत्तक से धब्बे किसके लिए प्रयुक्त होते हैं यानी स्पोर्ट बन जाते हैं टिश्यूज की डेथ होती है तो तो से आप कहते हैं कि नेक्रोसिस। तो कि क्लियर? देखिएगा नहीं, delay in flowering नहीं, नहीं प्लांट ये correct answer आपका है। थर्ड इनिविशन ऐसा नहीं है क्लियर तो इसे आप क्या कहते हैं नेक्रोसिस कहते हैं क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी फाइव

आप अच्छे से जानते हैं कि यहां पर दो प्रोसेस आपकी हो सकती है एमिनेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ एमिनोसिड यानी एमिनोसिड सिंथेसिस तो एमिनेशन और एमिडेशन एमिडेशन का मीन होता है एमाइड फॉर्मेशन तो अगर प्लांट में एमिनोसिड का सफिसियंट लेवल नहीं है सफिसियंट लेवल नहीं है उनको रिक्वायरमेंट है एमिनोसिड की तो आप जानते हैं कि अमोनियम आयन डायरेक्टली एक्ट एज एल्पाकिटोग् रिएक्ट विद और आप समझ सकते हैं किस्ट तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 166 सिक्स इन सिट्रिक एसिड साइकिल फर्स्ट स्टेप इज सिट्रिक चक्र में सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है क्रेप साइकिल है टीसी साइकिल है क्योंकि इस साइकिल में क्या होता है एसिटाइल को एंजाइम कंबाइन विथ फोर कार्बन ऑर्गेनिक एसिड ओ ए एंड फॉर्मेशन ऑफ सिक्स कार्बन सिट्रिक एसिड तो इसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है कार्बन का है सिट्रिक एसिड है तो ये आप समझ सकते हैं कि सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया और सिट्रिक एसिड में आप जानते हैं कि थ्री कार्बोक्सिल ग्रुप हैं तो टीसीए साइकिल आपका हो गया

ग्लूकोज के रेफरेंस में दो बार आपका क्योंकि दो स्टल कौन जय वहां पर आते हैं तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखिएगा नंबर द द द ऑर्गेनिक एसिड प्ले की रोल इन सिंथेसिस ऑफ एसिड कार्बनिक अम्ल जो एमिनो अम्ल के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो देखिएगा इंटरमीडिएट ऑफ साइकिल होता, होता alpha, keto, carbon, acid, alpha, keto, gluteric, है क्रेप्स चक्र का मध्यवर्ती होता है एल्पाकिटो ग्लूटेरिक फाइव कार्बन ऑर्गेनिक एसिड एल्पाकिटो ग्लूटेरिक बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर विल बी फर्स्ट

ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्शन एक सिंगल स्टेप में होता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सलेशन। तो देखिएगा कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सन मीन होता है कि वहां पर एनएडीएच का फॉर्मेशन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो और सीओ टू रिलीज भी हो डिकार्बोक्सिलेशन तो ये पूरे क्रैप साइकिल में एक स्टेप्स होता है जब एल्पाकिटोग्लोटेरिक कन्वर्ट इंटू सक्सन तो वहां पर आपका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है

तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन सिक्स रेस्पिरेशन इच वा क्या है ऑक्सीजन तो फाइनल इलेक्ट्रॉन स्ट्रप्टर कौन है ऑक्सीजन है क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन कैरियर इलेक्ट्रॉन मूव करता है ए थ्री से फाइनल इलेक्ट्रॉन जो आपका ऑक्सीजन है, है तो इसको अपन बोलते हैं इंटरमोलिकुलर

एस टू को एक्सेप्ट करता है कन्वर्ट होता है एन ए डी एच प्लस एच प्लस बट आप जानते हो यहां तो इसका रिडक्शन होता है फिर ये जब वापस हाइड्रोजन डोनर मतलब डोनेट कर देता है तो वहां ये डोनर हो जाता है तो ये तो एक्सेप्टर भी हो सकता है डोनर भी हो सकता है फाइनली सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है पीजीएल फोर्पो गेड थ्री फोर्पेट पीजीएल कन्वर्ट वन थ्री बाई पी जी एल तो पीजीएल वहां पर एस टू डोनर है और उसको ले लिया किसने एनएडी ने फिर आप जानते हो फर्मेंटेशन में पीजीएल एंड सी एस थ्री सी एच ओ ये सबसे परफेक्ट क्वेश्चन है ये परफेक्ट आंसर है बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जब आपको एल्कोलिक फर्मेंटेशन में ग्लाइकोलास स्टेप में तोड़कर आपको पायरिविक एसिड से आगे दो आपको एनरबिक

मापदंड के लिए में से कौन सा सही नहीं है तो देखिएगा तत्व सामान्य प्रजनन के लिए नितांत रूप से आवश्यक होना चाहिए। तो ये तो ये का क्राइटेरिया है भी। और आप जानते हो द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉन रिप्लेसेबल बायदर एलिमेंट तत्व की आवश्यकता विशिष्ट होनी चाहिए और किसी अन्य तत्व प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता ये भी करेक्ट है ये भी भीशियल क्राइटेरिया है ये भी है ये भी है एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द द प्लांट से सम्मिलित होना चाहिए ये भी है। तो से। किसी एक तत्व की कमी की आपूर्ति दूसरे से की जा सकती है क्योंकि वहां तो दूसरे के द्वारा प्रतिशत किया नहीं जा सकता नॉट रिप्लेसेबल वहां रिप्लेस पॉसिबल ही नहीं है तो ये तो आप जानते हैं कि इसी का अपोजिट हो गया तो ये रॉन्ग हो गया आंसर विल बी फोर क्लियर नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन इज करेक्ट कौन सा सही है ठीक है ठीक तो देखिए इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड एल्कोल फर्मेंटेशन मच एनर्जी इज ये रॉन्ग है दोनों में बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है सेवन परसेंट ओनली आप समझ सकते हैं द रिड्यूसिंग एजेंट इज एन प्लस एच प्लस विच इज रिओक्सीडाइज टू एनएडी इन बोथ फर्मेंटेशन प्रोसेस ये करेक्ट है Second, क्योंकि वहां जैसे पीजीएल हाइड्रोजन डोनर होता है तो एनएडी एक्सेप्ट करता है एनएडीएच में कन्वर्ट हो गया एस्टेल डिहाइड एक्सेप्ट करता है तो एनएडीएच वापस एनएडी में कन्वर्ट हो गया तो वहां एनएडीएच एनएडी का रिडक्शन होता है और वहां एनएडीएच का ऑक्सीडेशन हो गया क्लियर तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस दोनों में होता है बट

जो 172 क्वेश्चन है उसका आंसर आपका क्या हो गया सेकंड हो गया नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 173 कॉम्प्लेक्स फोर ऑफ एटीएस रेफर टू कॉम्प्लेक्स फोर आपका साइटोक्रोम जो सी ऑक्सीडेज है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज आप समझ सकते हैं कि साइटोक्रोम ए ए थ्री और टू कॉपर सेंटर्स की आपकी बात हो जाती है तो वन के अंदर आपका आंसर क्या हो जाएगा ये सेकेंड आपका हो जाएगा क्योंकि ये थर्ड कॉम्प्लेक्स है और ये

तो यहां पर देखिएगा कि को एनजेम क्यू एंड साइटोक्रोम सी यानी इसको आप बोल सकते हैं यूबी क्यू नोने भी तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा वन सेवन फोर में सेकंड आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन सेवन फाइव हाउ मेनी पीजीएल आर प्रोड्यूस बाय ग्लाइकोलाइसिस ऑफ थ्री मोलिकूल ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी एटीपी आर रिलीज बाई रेस्पिरेशन ऑफ दीज पीजीएल टिल फॉर्मेशन ऑफ सीओ टू एंड एस टू तो देखो यहां पर आपको थ्री मोलिक्यूल ग्लूकोज दे रखा है उससे आपका सिक्स पीजीएल फॉर्म हो जाएगा क्लियर अब चाहे अपन एक सिंगल पीजीएल से सोलो कर ले सोलो करेंगे तो देखिएगा वन पीजीएल वन पायिक में कन्वर्ट होता है तो वन एन डी एच यहां एनएडी प्लस से एन ए डी एच प्लस एच प्लस फॉर्म होता है तो थ्री और आप जानते हैं कि सिंगल सिंगल जो सेवन और टेन स्टेप है वहां पर एस एल पी सबस्टेट तो टू डायरेक्ट एटीपी इन ईच प्रोसेस फाइव ए टीपी इन देन थ्री इन वन लिंक एंड ट्वेल्व इन क्रैप साइकिल तो ट्वेल्व थ्री फिफ्टी ट्वेंटी ट्वेंटी तो आपके कितने स्टेप्स होंगे सिक्स स्टेप आपके होंगे क्लियर तो ट्वेंटी सिक्स वन ट्वेंटी आपका हो जाएगा तो सिक्स पीजीएल वन ट्वेंटी या फिर अपन सीधा दें कि पीजीएल के बाद में तो इनिशियल आपको टू एटीपी जो कंज्यूम होते हैं, उनको काउंट नहीं करना उनको लेस नहीं करना तो फोर्टी एन ट्वेंटी कैसे भी आप आ जाइए क्लियर तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का जो आपका आंसर है 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 वो जाएगा क्लियर ना तो आप जानते हैं बेटा कि ग्लूकोज के रेफरेंस में फिर पीजीएल से आपको रिएक्शन को दो बार मल्टीप्लाई करना है तो यहां सिंगल पीजीएल सिंगल पीजीएल सिंगल, सिंगल पायरविक सिंगल लिंक सिंगल क्रैब फिर आप जानते थ्री ग्लूकोज सिक्स हो जाएंगे तो उसको सिक्स टाइम आप कर दीजिएगा क्लियर तो आप अच्छे से जानते हैं बहुत क्वेश्चन नंबर वन सेवन सिक्स ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल एसटैम हाउ मेनी मेटोन गेट रिलीज एस्टल के ऑक्सीकरण में कितने प्रोटोन मुक्त होते हैं तो एस्टल को चार जगह ऑक्सीडेशन होता है थ्री एनएडीएच प्लस एच प्लस और वन एफ ए डी एच प्लस एच प्लस तो सिक्स हाइड्रोजन और टू एट यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड भाई चार जगह ऑक्सीडेशन होता है तो दो हाइड्रोजन तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या हो जाएगा एट हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर जो वन सेवनटी सिक्स है उसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड आपका हो जाएगा नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर वन सेवनटी सेवन इन द गिवन डायग्राम इस दिए गए चित्र में ए बी सी किसको रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिएगा यहां पर ए तो रिप्रेजेंट डी नाइट्रीफिकेशन को करता है और यहाँ जो बी है ये नाइट्रेट अपटेक कर रहे हैं प्लांट बायोमास बन रहा है प्लांट से ये, ये, ये अमोनिफिकेशन को आपको करता है तो देखिएगा कि 177 जो क्वेश्चन आपका है वहां पर ए, ये डी हो गया नो नो ये डी हो गया ये अपटेक हो गया अमोनिफिकेशन हो गया तो सबसे बेस्ट ये बैठता है क्योंकि ये अपटेक है उदाहरण अपटेक है नाइट्रेट का और ये आप समझ सकते हैं कि ये अमोनिफिकेशन है और एक का यहाँ पर डिनाइट्रीफिकेशन है तो आंसर आपका सेकंड अच्छा है यहाँ पर क्वेश्चन 178 हाउ uh, स्वयं रखता।, रखता है क्लियर फिर आप देखिएगा कि प्लांट डो नोट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैस एक्सचेंज ये सही है पादप को अधिक गैस विनिमय की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि मेटाबॉलिक स्लो होता है क्लियर फिर देखिएगा रूट स्टेम एंड लीव्स रेस्पिरेट रेट फास्टर देन एनिमल ये रॉन्ग है ईच लिविंग सेल इन ए प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू सरफेस ऑफ द मतलब एरिया पादप में प्रत्येक जीवित का पादप के सतह के समीप होती है ये भी लगभग करेक्ट है तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो मतलब बी और जो आपका डी है वो करेक्ट है तो आंसर का आंसर आपका हो जाएगा 178 के अंदर 179 179 क्वेश्चन नंबर वन इज एन एलिमेंट फॉर द द एक्टिवेशन ऑफ राइबोसोम दोनों सब यूनिट को बाइंड करने के लिए मैग्नेशियम की जीरो पॉइंट जीरो जीरो मैग्नेशियम आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन विच ऑफ एलिमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर तो ट्रगर प्रेशर को स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग को इनको सबको मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस करता है पोटेशियम क्लियर तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा तो स्टूडेंट्स आपने बहुत अच्छे से इस पेपर को सोल्व करना पूरे कंसेप्ट और एनसीआर को आप अच्छे से रीड करना और हर तरीके से आपके साथ सी है और मेरे प्यारे बच्चों जो राजा बेटा रन बेटे बिल्कुल मुस्कुरा दीजिएगा और अच्छे से कंसेप्ट को तैयार कीजिएगा थैंक यू वेरी मच